एक बड़ी खबर आपको बता दें, लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। चीनी सेना लद्दाख के पेंगोंग लेक और गलवान वैली के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अपनी टुकड़ियां तेजी से बढ़ा रही है। इससे ये साफ हो रहा है कि बॉर्डर पर चीन से भारतीय सेना का टकराव जल्द खत्म होने वाला नहीं है। चीन गलवान घाटी में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। भारतीय सैनिकों के कड़े विरोध के बावजूद दो हफ्ते में चीन ने करीब 100 टेंट लगा दिए हैं। संभावित रूप से बंकर्स बनाने के लिए मशीनें भी लाई जा रही हैं। और इस बढ़ते तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल नरवणे लेह में 14 कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पहुंचे और टॉप कमांडर्स के साथ LAC के विवादित इलाके सहित क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की उन्होंने समीक्षा भी की। अभी शुक्रवार को ही पहुंचे थे, लेकिन देखिए चीन की नापाक हरकतें लगातार जारी हैं। मनीष कुमार मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, 5 मई से लेकर के अब तक ये तनातनी बनी हुई है, आखिर अभी जाकर के समीक्षा भी की थी मनोज मुकुंद नरवणे ने, स्थिति का हल कैसे और कब तक निकल सकेगा, क्या कहना है? देखिए आशा, इसकी शुरुआत हुई थी, आपको ध्यान में होगा कि 5-6 मई लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख जो क्षेत्र है वहां पे, इसके बाद हमने देखा कि नकुला पास जो कि सिक्किम में है वहां पे तनाव देखा गया, दोनों जो सेनाएं है उसके बीच में झड़प देखी गई। और अब जो है गवला, जो आपको बता दें जो घाटी है वहां पे भारत अपनी क्षेत्र में जो है सड़क बनाने की कोशिश कर रहा था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है जो सीमा पे सड़क बनाने का काम करती है, आधारभूत ढांचा खड़ा करने का काम करती है, तो अपने क्षेत्र में जब वो सड़क बनाने का काम कर रहे थे भारत की BRO, वहां पे चीनी सेना ने उसको अपोज किया, वहां पे बड़ी संख्या में जमा हो गए। उसके बाद भारतीय सेना की तरफ से भी तैनाती की गई और खतरा जो एस्केलेशन है देखा जा रहा। हालांकि दोनों देशों के बीच में सैनिक स्तर पे बताओ या राजनीतिक स्तर पे, इस स्तर पे डिप्लोमेटिक स्तर पे लगातार इसको डी एस्केलेट करने के लिए वार्तालाप चल रहा है। उम्मीद हम ये भी कर रहे हैं आशा कि विदेश मंत्रालय के द्वारा हो सकता है कि इसको लेकर एक बयान आए इस पूरे मुद्दे को लेकर। लेकिन आपको बता दें कि लगातार ये कही जा रही थी बात कि भारत की जो पेट्रोलिंग पार्टी है उसको चीनी सैनिकों ने बंधक बना लिया, लेकिन सेना के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि